नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, बिहार की पाटलिपुत्र सीट इस समय चर्चा का विषय बनी। दरअसल पाटलिपुत्र सीट से डॉक्टर मीसा भारती को इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा के बड़े कद्दावर नेता है। जाहिर सी बात है कि ये सीट इस समय जितनी ज्यादा चर्चा का विषय है उसके पीछे की बड़ी वजह यह कि डॉक्टर मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी यहां से अपनी किस्मत आजमा रही है। और इसको लेकर के खुद लालू प्रसाद यादव ने कई बड़े दावे कर दिए हैं। उन्होंने जब इस सीट पर अपनी बेटी मीसा भारती के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए गए तो कई ऐसी सारी बातें कही भाजपा की नीतियों को लेकर के, इंडिया अलायंस को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर, जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपने वही पुराने अंदाज में जो है नजर आए, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि बिहार की इस सीट पर खास तौर से मीसा भारती के समर्थन में जो रैली की गई, जो संबोधन किया गया, उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा जरूर मीसा भारती को देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार यादव परिवार से कई चेहरे चुनावी मैदान में हैं और उनको लेकर जिस तरीके से आपने देखा कि पूरी की पूरी यादव फैमिली लगातार मेहनत करती नजर आ रही है, क्या जनता भी उसी हिसाब से उन्हें वोट देकर संसद पहुंचाएगी या फिर ये तमाम के तमाम मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। अब ऐसे में दर्शकों, आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने किन बातों को लेकर के भाजपा की सरकार को घेरा, भाजपा की नीतियों का विरोध किया और नीतीश कुमार के भाजपा में चले जाने को लेकर के भी पुरजोर ढंग से जो इसका विरोध किया, और कई सारी बातें ऐसे कही है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, सुनाते हैं आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने मीसा भारती के समर्थन में क्या सारी बातें कही। लोकसभा में भेजना है और नरेंद्र मोदी को चुना लगाना है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कल आज दिन भर या रोड मार्च करने आए थे। पटना शहर के लोग तो नहीं निकले, लेकिन अपने रोड मार्च फुलुक फुलुक के करते रहे और राष्ट्रीय जनता दल पर ही प्रहार करते रहे। इनके प्रहार का मैं प्रवाह नहीं करता। नरेंद्र मोदी इस बार जा रहे हैं, पक्का जा रहे हैं। इनको बढ़िया से भेज देना है, विदाई कर देना है। तेजस्वी यादव का तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोग के बीच में 8 जगह 10 जगह रोज जा रहे हैं, काफी समर्थन मिल रहा है। आज ही है 5 जगह हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सब लोग आप लोगों से अपील करने के लिए मैंने देखा कि मीटिंग भी नॉमिनेशन के बाद सभा, इतनी बड़ी सभा कि हॉल खचाखच भरा हुआ है। हम उम्मीद नहीं करते थे कि आज सभा भी इतनी बड़ी सभा होगी। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से इस बार मीसा भारती फिर से अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी? और खास तौर से ये भी माना जा रहा है दर्शकों कि बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। और खास तौर से एक बड़ा फैक्टर जो है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का वो ये कि यहाँ से एमआईएम ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। और जाहिर सी बात है कि एमआईएम के प्रत्याशी के उतारे जाने के बाद यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि मामला दो तरफा नहीं बल्कि तीन तरफा है और ऐसे में वोट बैंक में बिखराव का एक खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। और इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि अगर इस सीट पर
जरा सी भी हेर फेर देखने को मिली तो कहीं ना कहीं मिस भारती की हार जो है वो सुनिश्चित होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों तो लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक माहौल जरूर बना है, लेकिन क्या इस हद तक माहौल बन पाया है कि मीसा भारती उस सीट से सांसद चुनी जा सके। वैसे भी लालू प्रसाद यादव लगातार स्वास्थ्य के कारण राजनीति से दूर बने हुए हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है वो लगातार अलग अलग सीटों पर जाकर के जो है भाषण दे रहे हैं, फिर से एक बार जनता को अपने वोटर्स को एक बार साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या इस चुनाव में आरजेडी पार्टी जो है अपने केंद्र की राजनीति में उस दबदबे को फिर से स्थापित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी दर्शकों। इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। मीसा भारती की सीट की बात करें, रोहिणी आचार्य की सीट की बात करें, सारण की सीट पर भी उन्होंने इसी तरीके के बयान देकर के अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने और क्या सारी बातें कही है देखिए। हम सब लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है और आप सभी गरीब गुरबा भाई आपको मालूम है, ये पक्का है, यदि जनरेशन खत्म करना चाहता है, भारत के संविधान को बचाना चाहता है, ये बाबा का बना हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, कोई एरू बेरू बाबा का बनाया हुआ नहीं। किसी भी कीमत पर जान रहे या जान जा भारत के संविधान को लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। देश की जनता पूरा देश पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा देश और बिहार से सब भूख रहे हैं, प्यास रहे हैं, एक क्रांति की धरती है भारत, एक से एक क्रांति अन्याय के खिलाफ हुआ है, वीर योद्धा पैदा लिए है। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करने आया हूँ, हमको छपरा भी जाना है, भाई वहाँ से रोहिणी आचार्य जिला गई है और पूरा बिहार में आज 5 जगह चुनाव हो रहा है, सब जगह का रिपोर्ट अच्छा आ रहा है, तमाम भाई बहन अरे लागल लागल झुलनिया में धक्का दे रहा है, देखो नीतीश कुमार का हाल है, नीतीश कुमार का वही हाल है कि वो छावनी भूलुक की है, जनरल घर वही की है। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई पाटलिपुत्रा सीट और सारण की रोहिणी आचार्य की सीट वो इस बार आरजेडी के खाते में जाएंगी? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।